क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर आपकी शेडो फॉर्म ही ना हो? वेल, ये लॉजिकली तो इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि जहां लाइट है वहां शेडो तो फॉर्म होकर ही रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इंडिया में एक ऐसा टेम्पल है जिसकी शेडो फॉर्म नहीं होती, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ये एक टेम्पल है जिसे कि लॉर्ड विष्णु के एक अवतार श्री जगन्नाथ के नाम पर बनाया गया है। ये एक टेम्पल है जो कि उड़ीसा में प्रेजेंट है। इसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। इस टेम्पल की संरचना 12th सेंचुरी में हुई थी और ये एक हिंदू धार्मिक स्थान है। अब अगर बात करें शेडो की, तो जगन्नाथ टेम्पल की एक विशेषता ये है कि इस टेम्पल की जो सबसे बड़ी शिखर है उसकी परछाई किसी भी समय काल में फॉर्म नहीं होती। इसका आखिर क्या कारण है? क्या ये कोई चमत्कार है या कोई विशेष प्रकार की आर्किटेक्चर का कमाल? आइए जानते हैं। जगन्नाथ टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये मंदिर 58 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। टेम्पल के अंदर के प्रधान देवता हैं भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। लेकिन अगर शेडो की बात करें तो इसका कारण टेम्पल के डिजाइन में छुपा हुआ है। जगन्नाथ टेम्पल का डिजाइन ऐसा है कि इसमें सूर्य की रोशनी के प्रभाव को खास तरीके से दिखाया गया है। टेम्पल के ऊपर के हिस्से में एक स्पेशल प्रिज्म है जो प्रकाश को अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रिज्म की वजह से सूर्य की रोशनी कभी भी सीधे टेम्पल के ऊपर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से कोई भी शेडो फॉर्म नहीं होती। इसका मतलब ये है कि चाहे दिन हो या रात, चाहे शाम हो या सुबह, जगन्नाथ टेम्पल के इस टावर की शेडो कभी भी फॉर्म नहीं होती। और यही सिर्फ एक स्ट्रेंज फेनोमिनन नहीं है, बल्कि इस मंदिर के कई सारे ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में किसी भी तरह का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया है। जैसे ये मंदिर एक समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पर समुद्र की लहरों की आवाज़ें काफ़ी ज़ोर शोर से आती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके दरवाजे के अंदर जाते हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ें आना बंद हो जाती है। अब ये कैसा चमत्कार है ये तो कोई भी नहीं जानता। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर से किसी भी तरह के प्लेन या हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है और उस चक्र को अगर हम किसी भी डायरेक्शन से देखें तो वो हमें हमेशा सीधा ही दिखेगा। इस तरह के और भी कई सारे राज हैं जो ये जगन्नाथ टेम्पल होल्ड करता है, जिनका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं निकल पाया है। अब ये चमत्कार है या कोई आर्किटेक्चरल जीनियस, ये तो समय ही बताएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।